अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार हमारा चौथा वीडियो है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये फिर कोई क्या व्लॉग बनाएंगे, तो आज हम कोई व्लॉग नहीं बनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं आप लोगों से यूट्यूब के हवाले से अपनी एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा कि मैं यूट्यूब में कब से हूँ और फिर क्यों छोड़ा और फिर क्यों आया। तो यार मेरी एक बात समझ लो कि जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना। बात तो सही है। अगर आप लोगों ने जिंदगी में हिम्मत हार लिया तो वो तुम्हारे बहुत कमज़ोर तरीन दिन होंगी। ज़िंदगी में छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन ज़िंदगी मत हारना। मेहनत करना, मेहनत करना, सिला अल्लाह देंगे और आप अपना मेहनत जारी रखें। क्योंकि ज़िंदगी में हिम्मत हारी तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकता। जब 2021 में मैं और हमारे दोस्तों ने फैसला किया कि हाँ यार हम यूट्यूब वाइंस खोलें बनाएंगे, तो जब हमने यूट्यूब वाइंस, आप लोगों को पता नहीं आता कि यार यूट्यूब वाइंस कैसी बनाएंगे और कैसी नहीं, लेकिन फिर हम लोगों ने जब बनाया तो हमने बनाया और फिर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। तो जब हमने वो यूट्यूब पर अपलोड किया तो अपलोड करने के बाद उस पर इतना व्यूज़ नहीं था आया था। तो जब हमने दूसरा वीडियो बनाया तो हमने वो अपलोड किया तो उसकी दूसरे दिन जब हमने वो वीडियो देखा तो उस पर 32,000 व्यूज़ आया था। वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था कि पहले वाइंस पे और 32,000 व्यूज़, ये इतना आसान बात नहीं है, लेकिन मेहनत का सिला अल्लाह ने दिया। तो जब हमने वो वीडियो अपलोड किया तो अपलोड करने के बाद 32,000 व्यूज़, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब हमने तीसरा वीडियो बना लिया तो वो अपलोड किया तो उसके बाद जब हमने देखा तो उस पर 8,000 व्यूज़ था। 32,000 और 8,000 व्यूज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि नया नया वाइंस था और उतना व्यूज़ वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर इसके हवाले से हमने वो उस वीडियो की बनाने के हवाले से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया कढ़ाई का कि यार इतना व्यूज़ आया था, जब दोस्त एक साथ होगी तो वो प्रोग्राम शोग्राम तो करेंगे। तो हमने प्रोग्राम किया और फिर आया था। तो दूसरा दिन जब हमने निकले थे तो हमने और वीडियो बनाया था। तो जब ने हमने उसकी निकली तो हमने सारा वीडियो बना दिया, सिर्फ एक शॉट बाकी था, वो शॉट लेना था रोड पर। जब हम आए थे रोड पर, रोड पर हमने शॉट बना लिया तो इस पर हमारे एक दोस्त का बाप आया। दोस्त का बाप आया तो वो बाजार ने किसी ने उसको वीडियो हमारी दिखाया था कि यार ये तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। और क्या आप लोगों को पता है कि लोगों को बातें, जब आप एक काम शुरू करेंगे तो लोग आप पर बहुत बातें करेंगे, फिर जब आप कामयाब हो जाएं तो वो जो लोग आप पर हंसे थे वो लोग आपके पीछे आके आपसे बात करें कि यार ऐसा है ऐसा है। लेकिन लोगों का फितरत है बदलना। तब जब हमने वो क्लिप बनाया था तो बाप आया था हमारा दोस्त का, जब वो आया था तो उसने देखा तो वो आया था हमारे दोस्त को 2-3 थप्पड़ मार दिया कि ये आप क्या कर रहा है, और वो अपने साथ लेके गया तो वो घर में भी मारा था। तो हमारे दोस्त ने शाम को मुझे कॉल किया कि यार मैं और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाप भी घर में गुस्सा करता है और मैं और वीडियो मार। मैंने कहा कि यार हिम्मत मत हारना, कभी कभी एक ना एक दिन हम भी मशहूर होंगे। तो जब उसने कहा कि यार नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो हमने वो वीडियो अपलोड किया, लेकिन शॉर्ट तो मुकम्मल कर दिया। तो हमने वो वीडियो भी अपलोड किया तो उस पर माशाल्लाह भी बहुत 4,000 के करीब व्यूज़ आया था। तो हम और खुश हो गए, लेकिन वो दोस्त हमसे चला गया। तो जब हमने फिर एक वीडियो बनाया था तो हमारे दूसरा दोस्त जो है ना, उसने कॉल किया कि यार हमें भी घर में लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं भी और वीडियो नहीं बना सकता। यार मैंने कहा कि यार ये क्या वजह है, बस जब हम जाके अपनी वीडियो बनाएंगे अल्लाह हमें सिला देंगे, हम मेहनत करेंगे तो कोई और काम तो नहीं करेंगे, बस वीडियो बनाएंगे और वो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। लेकिन उसने कहा कि यार नहीं मैं ये
नहीं कर सकता, तो वो भी हमसे चला गया। तो एक दोस्त था, वो भी उसने कहा था कि यार ये आपका और मेरा काम तो नहीं है, ये एक दो बंदे का काम नहीं है, ये तो पूरा टीम चाहता है वाइन, टीम के बगैर नहीं चला सकता हम वाइन। तो हमने उस वक्त वाइन छोड़ लिया, या छोड़ लिया कि कोई है था नहीं तो वाइन्स कैसे चलाएंगे, तो हमने छोड़ा था। तो जब हम मैंने अभी फैसला किया कि यार वाइन्स तो छोड़ लिया, उस पर बहुत अच्छी रिस्पांस आई थी, लेकिन इसके बाद अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू किया। बड़ा हरामी हो बेटा, वो भी आप लोगों के लिए कि यार कोई भी काम करे उसका वीडियो ले लिया और व्लॉगिंग के जरिए वो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो हम मेहनत करेंगे और सिला अल्लाह देंगे, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो मैंने सिर्फ ये बात कहना था कि यार ज़िंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, अगर हमने उस लम्हा मेहनत नहीं हारा तो आज अल्लाह जाने हमारी कितनी सब्सक्राइब होती। तो हमने उस वाइन छोड़ लाए उस अभी पिल्हा, अभी मैंने फैसला किया कि यार मैंने व्लॉग शुरू कर लिया, तो 3-4 दिन हो गया तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, 2-3 वीडियो पहले अपलोड किया, अब ये चौथा वीडियो है। लेकिन यार आप लोग अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं देते। यार तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो और हमारा चैनल शाबहद व्लॉगर तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमने मज़ीद फिर एक स्टेप लिया और उसमें हम मेहनत करेंगे और सिला अल्लाह से मांगते रहेंगे, और जब मेहनत से कोई काम भी नहीं हो सकता मेहनत के बगैर। तो यार प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा सा कहानी था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।